मार्केट में स्मार्टफोन तो भर भर कर आ रहे हैं, लेकिन लेने का मन उन्हीं स्मार्टफोनों का करता है जिनमें कुछ हटके हो, चाहे वह फीचर हो या फिर उसका लुक। अब ऐसा ही एक रिंग लाइट वाला स्मार्टफोन मार्केट में आया है जो अपनी तरह का पहला मॉडल है। तो चलिए फिर जानते हैं कौन सा है यह स्मार्टफोन। लावा अग्नि के बाद ये स्मार्टफोन काफी चर्चा में आ गई है और अब इसकी चर्चा को देखते हुए कुछ समय पहले ही भारत में लावा ने अपना पहला रिंग लाइट सेटअप वाला स्मार्टफोन लॉन्च किया। ये स्मार्टफोन बेहद ही किफायती दाम में उतारा गया है और ग्राहक इसे महज 9,999 रुपए में खरीद सकते हैं। ये एक 5G स्मार्टफोन है, ऐसे में आपको इसे कुछ साल बाद अपडेट करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप इस स्मार्टफोन के बारे में जानना चाहते हैं तो हम आपको इसकी डिटेल्स के बारे में अब विस्तार से बताने जा रहे हैं। देखिए, इसकी स्टोरेज क्षमता की अगर बात करें तो ये माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए 1 TB तक बढ़ाया जा सकता है। स्मार्टफोन में 2.5D कर्व्ड स्क्रीन और 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.56 इंच HD+ IPS पंच होल डिस्प्ले है। लावा स्मार्टफोन 50MP के रियर कैमरे और बेहतरीन सेल्फी के लिए स्क्रीन फ्लैश के साथ 8MP के फ्रंट कैमरे के साथ आता है। स्मार्टफोन के इनबिल्ट कैमरा फीचर्स में फिल्म, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, UHD, GIF, ब्यूटी, HDR, नाइट, पोर्ट्रेट, AI प्रो, पैनोरमा, फिल्टर और इंटेलिजेंट स्कैनिंग जैसे विभिन्न मोड शामिल है। वहीं स्मार्टफोन को दो वेरिएंट में खरीदा जा सकता है जिनमें 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज है जिसकी कीमत 9,999 रुपए है और 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट जिसकी कीमत 10,999 रुपए है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये एक अच्छा खासा स्मार्टफोन है जो बजट रेंज में देखने को मिल रहा है, वरना ऐसे फीचर्स जल्द मिलते नहीं है। बाकी इसके बेस वेरिएंट पे 4GB रैम क्षमता को कुल 8GB रैम के 4GB तक बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह 4GB रैम वेरिएंट भी कुल 12GB रैम के लिए क्षमता को 6GB तक बढ़ाया जा सकता है। लावा ब्लेज 2 5G MediaTek Dimension 6020 चिपसेट और 5000mAh बैटरी द्वारा संचालित है जो USB Type-C के माध्यम से 18W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो कैसे हैं इस नए स्मार्टफोन के ये फीचर, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहिए KBC News।